हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैंने शेयर किया है आपको एक ऐसा डाइट प्लान जिसको फॉलो करके एक दिन में 1 किलो वेट आपका आसानी से कम हो जाएगा। और अगर सपोर्ट करोगे ना अच्छे से, मतलब जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही खाओगे, तो एक दिन में 2 किलो भी वेट कम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और जो कुछ भी आपको फ़ायदा हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दिन का पहला मेजर मील यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए उसकी, और उसमें फ़ैट नहीं होना चाहिए, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे सीजनल फ्रूट के साथ। ठीक है, एक प्लेट भरकर आपको सीजनल फ्रूट खाना है कोई सा भी, और आप चाहो तो ना 3-4 सीजनल फ्रूट को मिक्स करके भी खा सकते हो, क्योंकि इस वक्त आम का सीज़न है। तो मैंने चूज़ किया है एक बहुत ही बड़ा मैंगो। ठीक है, इसको मैंने पूरा का पूरा कट किया, प्लेट भरकर अच्छे से पेट भरकर खाया है। ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहकर अपना वज़न कम करना है, आपको पेट भरकर ही खाना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो और किस क्वांटिटी में खा रहे हो और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है हमारा, उसके लिए आप कोई भी सीजनल फ्रूट चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैंगो है तो और भी अच्छा। और ये जो डाइट प्लान है ये हर किसी के लिए है, बच्चा हो बड़ा हो, चाहे आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी मेडिकल इशू हो। आम को थायराइड वाले भी खा सकते हैं और डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में, कोई इशू नहीं है। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो आम को अलाउड करते हैं खाने के लिए। बस ये ध्यान रखना कि अच्छे से चबा चबा कर खाना है, बहुत जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश आपको नहीं करनी है। हर बाइट को अच्छे से चबाना है, तसल्ली से खाना है, और इससे आपका पेट बहुत अच्छे से फुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे लंच की तरफ। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको कम से कम 1 लीटर पानी ज़रूर पूरा करना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे ही करना है। अगर आप ग्रीन टी का सेवन करते हो तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप 1 छोटा कप ग्रीन टी पी सकते हो। ग्रीन टी कैसे बननी है ये मैंने चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लें और उसे बनाकर एंजॉय करें। उसके बाद लंच की तैयारी करते हैं। लंच में मैंने बनाए थे सूजी के जवे। ठीक है, तो अब क्योंकि जवे वैसे तो मार्केट में मैदा वाले मिलते हैं जो कि आपको नहीं खाने हैं, आपको खाने हैं सूजी वाले जवे, तो प्लीज़ ढूंढ लेना मार्केट में, और अगर नहीं मिले तो इसकी जगह पर कोई और रेसिपी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, लेकिन ये रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है जिनको वेट लॉस करना है, क्योंकि जो सूजी होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए वो गेहूँ के कंपेरिजन में बहुत अच्छी होती है। तो आप सूजी की कोई और रेसिपी बनाकर भी खा सकते हैं, मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं, उसमें से कोई और बनाकर खा लें, बट क्योंकि मैंने आज यही खाया था इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हों उन सबको काट लीजिए अच्छे से। नॉर्मल मिर्च मसाले जो होते हैं मेरे, उन्हीं से मैं ये सब कुछ बनाती हूँ। घर की होममेड बना हुआ जो हमारा खाना होता है ना, वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है, और वो हमें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जो कुछ भी खाना है उसे घर पर ही बनाकर खाना है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन अगर तेज़ी से वेट कम करना है तो बिल्कुल बंद कर दो, और अगर आराम आराम से करना चाहते हो, पेट को मेंटेन रखना चाहते हो, तो थोड़ी सी मात्रा में उसको ले सकते हो। तो सारी की सारी वेजिटेबल्स को मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसमें हल्दी, कड़ी पत्ता, राई, जो भी आपको जैसे भी जो कुछ भी डालना हो वो सब डालकर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च डालकर मैंने उसको सॉल्टी किया, थोड़ा सा चलाया, थोड़ा सा मैंने डाला था सॉस 2 चम्मच, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बट ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालना। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें डाले 1 कटोरी भरकर जवे। ठीक है, 1 कटोरी उबले हुए जवे। इन जवों को आपको उबाल के रखना है, उबालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पानी को बॉईल कर लेना, उसके बाद गैस बंद कर देना, और ये जो भुने हुए जवे मार्केट में आते हैं ना सूजी वाले, इसको डाल देना और ढककर रख देना। 5-10 मिनट में जवे बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, फिर छानना और जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही बनाना। और जो एक मीडियम साइज़ की प्लेट होती है ना, बड़ी वाली खाने वाली प्लेट नहीं, उससे छोटी एक प्लेट आती है, उस वाली प्लेट को भरकर आपको आराम से इंजॉय करना है। ठीक है,
खाना कैसे है वही जो मैं बताती हूँ आपको, स्लोली स्लोली चबा चबा कर तसल्ली के साथ। खाना खाने में आपको आराम से एक घंटा लगना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बना था, मुझे तो खाकर मज़ा ही आ गया। आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं सब कुछ खाती हूँ, हाँ जी मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। अमाउंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डाइट को फॉलो करने में। डाइट हम सब लोग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हम किस अमाउंट में किस चीज़ को खा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले ये देख लीजिए कि उस डाइट प्लान में भरपूर फाइबर है या नहीं, प्रोटीन अच्छी मात्रा में है या नहीं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आ रहे थे डिनर की तरफ, और वही लेकिन लंच के एक घंटे बाद आप एक कप ग्रीन टी ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती आई हूँ शुरुआत से अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में। उसके बाद डिनर की तैयारी कर रहे थे। डिनर में हम बनाने वाले थे पालक पनीर, ठीक है, जिसके लिए पालक को अच्छे से धोया, बॉईल किया, ठंडा किया एंड देन उसे पीस कर एक फाइन पेस्ट बनाया। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 2-3 हरी मिर्च ली, टमाटर लिए और उनको अच्छे से पीसा। उसके बाद ग्रेवी को हमने पहले भूना, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, जो मेरी सुबह वाली कढ़ाई है ना वही चल रही है, उसी में मैंने फिर से इसको प्रिपेयर कर लिया था। तो हो सकता है आपको कढ़ाई थोड़ी सी गंदी लगे, क्योंकि एक ही कढ़ाई को मैं बार बार रीयूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ घर में काम जो है अपने, तो वही वाली कढ़ाई ली है मैंने, उसमें थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला। मैं ज़्यादातर अपनी सारी वेट लॉस रेसिपीज़ या जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो सब देसी घी और सरसों के तेल में ही यूज़ करती हूँ, और आप सब लोगों से भी कहूँगी कि वही यूज़ करें, और देसी घी भी गाय वाला, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और हाँ, एक स्पेशल बात कि कल से यानी 1 मई से मैं शुरू करने के लिए जा रही हूँ 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज, जिसमें रेसिपीज़ में अब तक आप लोगों को बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ। मैं पूरे 30 डेज़ तक लगातार एक्सरसाइज का एक चैलेंज लेने के लिए जा रही हूँ, और डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, वो सब आप सब लोगों से शेयर करूँगी, जिससे कि आप सब लोगों को अगर ये लगता है कि सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करने से वेट लॉस होता है तो ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ों का इक्वल अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, मतलब जितना हमारा डाइट प्लान होता है ना उसके साथ साथ अगर फिज़िकल एक्टिव नहीं रहोगे तो डाइट प्लान कितना भी अच्छा फॉलो कर लेना लेकिन वेट कम तो होगा लेकिन वीकनेस आ जाएगी। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम घर में ही वर्कआउट करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वर्कआउट करने से जो मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं, तो ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कल से मेरे को ज्वाइन करना, जो लोग भी करना चाहते हैं वो सब लोग कल से यानी 1 मई से शुरुआत कर देना मेरे साथ वेट लॉस चैलेंज की। वीडियो में यस और नो लिख के ज़रूर बताना कि कौन कौन कल से शुरुआत कर रहा है मेरे साथ इस वेट लॉस चैलेंज को लेकर। तो आपने देखा इसे मैंने कैसे बनाया, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। मैं हींग अपनी हर रेसिपी में लेती हूँ, जिससे कि गैस ना बने और इनडाइजेशन ना हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च डाल के अपनी तरी को डाला, टमाटर वाली ग्रेवी को डाला, भूना उसे, जब वो अच्छे से पक गई नमक डाला, उसके बाद सूखा धनिया डाला, फिर उसमें डाला पालक, पकाया, फिर हमने उसमें डाला पनीर, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी वेट लॉस रेसिपी बनके तैयार।